ओनली फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट फॉर प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और आज मैं आपसे वो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके मैंने हर अटैम्प्ट में अपना प्रिलम्स क्लियर किया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो जैसे मैं यूजली समझाता हूँ कि हम हमेशा फंडामेंटल्स और बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सबसे कॉमन क्वेश्चन रिविजन से रिलेटेड जो मुझे आता है वो हमेशा यही रहता है कि सर रिवाइज कितनी बार करना है राइट एंड वॉट शुड बी द वे वी शुड रिवाइज ठीक है तो बिफोर वी गो इन अ डिटेल स्ट्रैटेजी पहले मैं ये जो बर्निंग क्वेश्चन है इसको आंसर करना चाहता हूँ सो द फर्स्ट थिंग इज पर्सनली ऑन पर्सनल लेवल आई टू एंश्योर कि यार तीन रिविजन हो जाए मेरी एक सब्जेक्ट की ठीक है नाउ हैविंग सेट दिस दिस इज अ पर्सनल थिंग ठीक है तो आई हैव सीन मेनी पीपल जिनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है वो दो रिविजन से भी काम चल जाता है कुछ लोगों का

ठीक है अब रिवाइज कैसे करते हैं तो देर इज ऑलवेज साइंस बिहाइंड कि कैसे आप रिवाइज करो ताकि भूलो ना कोई चीज ठीक है तो मैं पर्सनली जैसे आई बिलीव अलॉट इन समथिंग लाइक दिस लाइक वन टू फोर सेवन स्ट्रैटेजी नंबर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज आपने पढ़ ली अच्छे से उसको एक दिन के अंदर एक बार रिवाइज करो फिर उसके अगले दो दिन में एक बार रिवाइज करो फिर अगले चार दिन में एक बार और अगले सात दिन में एक बार उसके बाद आप महीने बाद भी कर सकते हो सो वंस यू हैव दिस पैटर्न यू विल ऑब्जर्व कि रिकॉल वैल्यू आपके माइंड का बहुत बेटर हो जाएगा बहुत ईजिली चीजें याद करने लग जाओगे ठीक है तो हैविंग सेट दिस ये नंबर आपके लिए थोड़ा चेंज होगा सो वंस यू प्रैक्टिस वंस यू एनेबल यू नो वेरियस मेथड्स आपको समझ आने लगेगा आपके लिए क्या काम कर रहा है एंड ऑलवेज मेक श्योर कि रात को सोने से पहले आपको पता हो कल क्या पढ़ना है कल क्या रिवाइज करना है ठीक है तो ये तो होगी बिल्कुल बेसिक सी रिविजन स्ट्रैटेजी पर अगर हमको यूपीएससी क्लियर करना है तो वी नीड टू गो इन टू मच मोर डेप्थ है ना बिना डेप्थ में जाए तो क्लियर होगा नहीं तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इज की आर सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़े ठीक है सो व्हाट शुड बी आर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी तो एक एक करके चलेंगे आराम से एक एक सब्जेक्ट देखेंगे ठीक है सो so आराम से लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी में सब दिखे तो लेट स्टार्ट विद द मोस्ट फंडामेंटल तो जब भी हम रिविजन की बात करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हमें पता है कि फंडामेंटल हैं प्रिपरेशन में राइट उनको तो हमें अच्छे से करना ही करना है और उनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं तो इकोनॉमी पॉलिटी है ना मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर फिर हमारा क्या हो गया एनवायरमेंट साइंस टेक ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट मे बी मैं इन सब को रखूंगा एंड देन यू हैव एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन एंड सो ऑन ठीक है तो so, जब हमने इन सब्जेक्ट्स की बात की है एंड बाय द वे यहाँ पे आप ज्योग्राफी भी ऐड कर लो ऊपर ठीक है सो लेट मी ऐड जोग्राफी एज वेल ठीक है तो इन सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं एक एक करके कि किस में क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है क्वेश्चन so वाइज आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें इन आप देखोगे वुड बी जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं फ्रॉम स्टैटिक और जब हम करेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट और साइंस टेक की ओर हम जा, जाने लगते हैं करेंट अफेयर्स ठीक है सो वेन वी टेलर आर स्ट्रेटेजी हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे अब इकोनॉमी की बात करते हैं इकोनॉमी इज ऑलवेज अबाउट टू थिंग्स टर्म्स एंड ट्रेंड्स दो ही चीजें पूछते हैं ब्रॉडली ठीक है तो टर्म्स एंड ट्रेंड्स में हमें क्या समझना है टर्म्स एंड ट्रेंड्स में हमको एन जो है हमारी उनको अच्छे से रिवाइज करने सारे टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए ठीक है जब हम बोलते हैं जी डी पी सी पी आई डब्ल्यू पी आई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे जो टर्म्स है वो क्लियर होने चाहिए ठीक है और जब ये सारे टर्म्स की आप लिस्ट बना लो वॉट आई एम कि आप इस स्टेज पे आके नाउ यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग स्लाइटली डिफरेंट सेट ऑफ नोट्स क्योंकि अब आप आपके जो मोटे नोट्स हैं अब आखिरी दो हफ्ते में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे सो so, थोड़े कंसाइज नोट्स भी बनाना आपको शुरू करना चाहिए सो आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीआरटी से हमने टर्म्स लिस्ट कर लिए न्यूज हम पढ़ते हैं उनसे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिस्ट कर लिए ठीक है फिर उनमें हमने ट्रेंड्स ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी मतलब अगर मैंने जी ग्रोथ रेट एज अ टर्म लिखा तो उसके ट्रेंड्स मुझे ऑब्जर्व करने हैं अगर मैंने फिजिकल डेफिसिट लिखा तो उसके ट्रेंड्स मुझे ऑब्जर्व करने हैं ठीक है और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि फिजिकल डेफिसिट है तो इससे रिलेटेड एफ आर बी एम एक्ट हो गया एग्जाम्पल या मोनिटरी पॉलिसी है तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी तो ऐसे आप एनसीआर और बेसिक्स कवर करो इकोनॉमिक रिव्यू हो गया बजट हो गया सो आप मेन टर्म्स एंड ट्रेंड्स ऑब्जर्व करो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग इकोनॉमी ठीक है आपको खुद समझ आ जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है ठीक है नेक्स्ट है गो फॉर पॉलिटी तो पॉलिटी हमको पता है इट्स ब्रॉडली लक्ष्मीकांत राइट इट इज लाइक द बुक द होली बुक फॉर पॉलिटी इज इट यहां पे वॉट यू नीड टू डू इन माई व्यू इज फोकस ऑन पार्ट्स जहां से क्वेश्चन जनरली ज्यादा आते हैं ठीक है तो जैसे कुछ पार्ट से थोड़े से कम आते हैं क्वेश्चन बट एनी वे यूपीएससी ने हर जगह से पूछने लग गए तो लक्ष्मीकांत में वॉट यू कैन डू इज कि हर वीक में आप एक पार्ट कवर कर सकते हो ठीक है ठीक है मतलब एक बार आपने दो बार कंप्लीट पढ़ ली और उसके बाद आप कहो कि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर इस तरह से आप टारगेट्स रख सकते हो लक्ष्मीकांत के सो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट कवरिंग लक्ष्मीकांत ठीक है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ आर्टिकल्स नोट कर लो पॉलिटी में इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड बिल्स नोट कर लो ठीक है तो ये सारी चीजें आप करके रख लो बिकॉज वंस यू डू दिस देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजी ठीक है तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज लक्ष्मीकांत मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ इसमें फंडामेंटल राइट्स डी पी एस पी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना पार्ट वन में जो हमारा प्रियम्बल है और जो मेकिंग है ये सारी चीजें एक्स्ट्रा एसेंशियल हो जाती है बट हैविंग सेट दैट पॉलिटी में तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम आते हैं मॉडर्न इंडिया पे मॉडर्न हिस्ट्री पे हम बात करते हैं अब यहाँ पे टाइम लाइन इज द की है ना हिस्ट्री में इट्स ऑलवेज अबाउट टाइम लाइन तो आपको क्या करना चाहिए वट यू शुड डू इज जब से आपको मॉडर्न his, हिस्ट्री पता है सो so रफली चलो बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर से फली चलो 1757 से जब तक हमको आजादी मिली 1947 तो इसका आप पूरा एक टाइमलाइन लिख लो मतलब फॉर इंस्टेंस स्वदेशी मूवमेंट 1905 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 सिविल डिसोबीडियंस बीच में कई कहीं मिंटो एक्ट माउंट एगो एक्ट ऐसे सारे इवेंट्स की लिस्ट बना लो और डिटेल्ड में बनाओ इससे क्या होगा बहुत इजी हो जाएगा रिवीजन करना बाद में एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज मुझे अच्छे से याद है कौन सी नहीं है स्वदेशी मूवमेंट से पहले की चीजें जनरली कम पूछते हैं राइट right? या 1885 से पहले की चीजें जनरली कम पूछते हैं लाइक कांग्रेस फॉर्मेशन से पहले तो दोज आर दिंग्स यू कैन फोकस ठीक है आर्ट एंड कल्चर पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारी एन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ठीक है एनसीआरटीस आर इम्पोर्टेंट फाइन आर्ट्स की भी और जो बाकी हिस्ट्री से रिलेटेड वाली एन सी की भी है ठीक है उसको छोड़ के फोकस ऑन द ट्रेंड्स एंड टर्म्स कि आप अगर मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन से पूछूं क्वेश्चंस इंडस वैली से पूछूं मैं बुद्धिज़म से पूछूं ठीक है मैं जैनिज़्म से पूछूं तो इनमें आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन आते रहते हैं राइट क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में तो हमें पता है बहुत चीजें आ सकती हैं रॉक एडिक्ट्स आते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के लोकेशन आते हैं पिलग्रिमेजेस आते हैं होली प्लेसेस आते हैं तो ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ राइट एंड ऑब्जर्व यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हो सो बाय द वे आई हैव ऑलरेडी लॉन्च एंड ऑलरेडी चल रहा है डेज चैलेंज ठीक है जिसमें हम एवरी डे पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अलग से क्वेश्चन करते हैं सारी चीजें करते हैं बट द फोकस है दस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन के थ्रू रिविजन करना और एक ऑब्जर्व करना कि ट्रेंड कैसे जा रहा है यूपीएससी के क्वेश्चन का ट्रेंड देखते हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का नया पैटर्न के बाद तो और इम्पोर्टेंट हो गया है एंड जैसे मैंने ये सारी चीजें लिस्ट की हैं तो like this, भी स्टडी लाइक दिस कोई प्रॉब्लम्स तो अवॉइड हो जाती है एंड इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिवाइजिंग क्योंकि कोई चीज आपको टारगेट मिल गई कि ये हफ्ते में ये टॉपिक पढ़ना है ये सब्जेक्ट पढ़ना है उनके क्वेश्चन करने है तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है पढ़ाई कर ली रिवाइज कर लिया क्वेश्चन कर लिया नए क्वेश्चन कर लिए ट्रेंड्स देख लिए और रिवाइज कर लिया फिर से हमारे साथ लाइव सेशन में सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस मेक श्योर ऑफ यूजिंग द लिंक आई इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जोग्राफी में आप देखो क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दो उन पे जैसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तो हमें पता ही है जरूरी है ठीक है तो एटलस इंपॉर्टेंट हो जाता है एटलस रेगुलरली देखो रिवर्स देखो माउंटेन्स देखो पासिस देखो है ना ये सारी चीजें ऑब्जर्व करो जो इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स की कुछ प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होती हैं ये क्रॉप कहाँ होता है वो आ, टी का क्या टी के बारे में कॉफी के बारे में फिर आई नो कि वर्ल्ड जोग्राफी भी है बट देर स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन उससे नहीं आते अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से बेसिक्स याद है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाते हैं बट इंडियन ज्योग्राफी से डेप्थ में आते हैं फिर आप मानसून एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइट right? मानसून अच्छे से समझो इंडिया में जो विंड्स का पैटर्न है वो समझो वर्ल्ड में ओशियन करेंट फॉर्मेशन पे ध्यान दो राइट ओशियन करेंट्स कर फिनोमिना विंड्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं काफी ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी में भी उन चीजों पे ध्यान दो और यहां पे भी इट इज ऑलवेज अबाउट एनसीआर एट दिस स्टेज एनसीआरटीस प्लस एटलस इज द की ठीक है रही बात एनवायरमेंट और साइंस टेक की तो यहाँ पे आई नो दैट यू गाइस यू नो आप एक स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करते हो और आपने वहां से कई चीजें पढ़ ली हैं जैसे साइंस टेक में यू यूज एनसीआरटीस एनवायरमेंट में कोई रेफरेंस बुक आपने यूज कर ली तो इसको छोड़ के जो बची हुई चीजें हैं आई नो कि बुक इज नॉट इनफ सो आप एक्चुअली विमल सर ने बहुत अच्छा कोर्स रिलीज किया है एनवायरमेंट इकोलॉजी पे जहाँ पे इज कवरिंग एवरी थिंग फ्रॉम ए टू जेड इन वेरी सिंपल टर्म्स तो अगर आपको कुछ कवर करने में इशूस आ रहे हैं या फिर जैसे एनवायरमेंट में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे यू एन एफ ट्रिपल सी से रिलेटेड चीजें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड चीजें पेरिस समिट से रिलेटेड चीजें जैसे और समिट्स होते हैं फिर अभी जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स क्या यूज होते हैं ठीक है फिर क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आई हैं से रिलेटेड इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हो गए है ना तो ये सारी चीज़ें इज कवरिंग वेरी ब्यूटीफुली अलोंग विथ ऑल द की टर्म्स इन द सिलेबस जैसे हम फंडामेंटल्स कभी अभी हमें समझ नहीं आते हैं जो थियोरेटिकल पार्ट है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेटलैंड्स ठीक है ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर बीइंग कवर्ड सो इसमें भी आपका इंटरेस्ट है इफ यू वांट दिस हेल्प सो मेक श्योर यू यूज द लिंक आई हैव शेयर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ठीक है बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एनवायरमेंट में जिनको आप मिस नहीं कर सकते अब एनवायरमेंट हो गया साइंस टेक हो गया यहां दोनों में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज करंट ठीक है जैसे एनवायरमेंट में यू कैन स्टिल से कि 30 40 50 परसेंट क्वेश्चन स्टैटिक से आ सकते हैं बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसका स्कोप और भी कम है करंट अफेयर्स इज द की ठीक है तो करेंट अफेयर्स आप अच्छे से रिवाइज करो अपने नोट्स को नाउ आई नो कि आप इस टाइम पे मंथली कंपाइलेशन और उन सब पे जाते हो विच इज फाइन बट साइंस एंड टेक के लिए आई डोट थिंक दैट इज इनफ आपको अपने नोट्स पे जाना पड़ेगा पुराने न्यूज पेपर के नोट्स बनाए हैं और अगर नहीं बनाए सो नाउ यू नीड टू स्टार्ट टेस्टिंग योर सेल्फ बी फॉर ऑल दी सब्जेक्ट एंड स्पेशली एनवायरमेंट एंड साइंस टेक यूजिंग टेस्ट ठीक है तो मॉक टेस्ट दो ठीक है क्योंकि मॉर्क टेस्ट से क्या होगा आपका हॉराइजन बढ़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते हैं राइट सो आपको नई इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि अच्छा ये टेस्ट भी आ, ये क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं मॉर्क दो गिव अ लॉट ऑफ मार्क्स टेस्ट योर सेल्फ एंड एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड योर लर्निंग नई चीजें सीखने को मिलेंगी रिवाइज करोगे उनके बारे में और पढ़ोगे ठीक है तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग से टेस्ट देने चाहिए राइट मे बी हर सब्जेक्ट वाइज दो टेस्ट दे दो और फाइनली मॉक टेस्ट पांच आप फुल लेंथ मॉक दे दो समथिंग लाइक दिस बट स्पेशली फॉर दीज टू सब्जेक्ट दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट अब मैं रिविजन में क्यों टेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि टेस्ट को भी रिवाइज करना है टेस्ट को भी रिवाइज करना है

बट उनमें भी आप देखोगे कि ध्यान ज्यादा किसमें देना है कि की टर्म्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नाउ आई नो की एंशंट मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन ट्रेस करना डिफिकल्ट है एंड इसका वेटेज भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चार से छह क्वेश्चन ही आ रहे हैं मिला के ऑन दी अदर हैंड एनवायरमेंट साइंस टेक जोड़ के थर्टी से थर्टी फाइव आते हैं ठीक है सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस सो बट फोकस ऑन की अगर आप बुक पढ़ रहे हो कोई इंपॉर्टेंट टर्म दिख गया है ना कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी दिख गई उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो ठीक है ताकि अगर एक दो क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ इसमें से यू आर एबल टू आंसर द टू थ्री इजी क्वेश्चन या मीडियम लेवल क्वेश्चन विच कम इन द एग्जाम ठीक है तो ये होगी मेरी सब्जेक्ट वाइज एक डिटेल डिस्कशन कि क्या आप कर सकते हो ठीक है अब थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको मतलब और ध्यान रखनी है ठीक है तो पहले तो आप वीकली प्लान्स बनाओ कि आप कैसे कवर करना चाहते हो तो जैसे आप पी वाई क्यू चैलेंजन चैलेंज के पार्ट हो तो वी ऑलरेडी गिव यू द टाइम टेबल एंड प्लान तो आपको खुद से नहीं सोचना अगर आपको लगता है कि इफ यू वॉन्ट टू डू दिस योर सेल्फ कंप्लीटली फाइन वेल एंड गुड तो आप अपना वीकली प्लान्स बनाओ कि इस वीक में मैं क्या सब्जेक्ट्स कवर करूंगा ठीक है और हर वीक में कोशिश करो कि दो मैक्सिमम तीन सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो ताकि दो तीन हफ्ते में दो तीन सब्जेक्ट्स पूरे रिवाइज हो जाए दैट टू बी गोल ठीक है वीकली प्लान्स बनाने के बाद जब वो वीक शुरू हो रहा हो तो अगले पाँच दिन के आप टारगेट्स लिख लो पांच टारगेट ठीक है और हर दिन सोने से पहले अगले दिन का टारगेट आपको क्लियर होना चाहिए एंड वन एम टॉकिंग ऑफ टारगेट्स तो टारगेट्स जो वीकली हैं डेली उसमें सब आएगा उसमें आएगा रिविजन उसमें आएगा, आएगा आपका टेस्ट के टारगेट कि आज क्या टेस्ट या प्रैक्टिस करना है उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा और उसमें वो भी आएगा अगर आपको थोड़ी सी कोई नई चीज पढ़नी है अवॉइड रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स बट कोई नई चीज आपको पढ़नी पड़ जाए कुछ अभी रिपोर्ट आया है जैसे बजट इकोनॉमिक रिव्यू आए हैं तो नई चीजें हैं लेकिन हमको पढ़नी पड़ेंगी सो so, उनके लिए आप थोड़ा टारगेट स्प्लिट कर लो कि किस पे कितना ध्यान देना है ठीक है सो so, ये मेरी तरफ से आपका एक शेड्यूल या रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दैट हाउ योर डे कैन लुक लाइक सो इफ यू आर एबल टू स्प्लिट योर डे अक्रॉस ऑल दिस देन इट बिकम्स ईजी टू ऑब्जर्व एंड यू नो गो हैड ठीक है तो इस तरह आप तैयारी करो आराम से आपका क्लियर होगा एग्जाम कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट मेक श्योर यू आर ऑल्सो कवरिंग सी सैट इन द मेन वेल जब भी आपको टाइम मिलता है क्योंकि इट्स नॉट एज ईजी नाउ और बाकी आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं कुछ भी आपको पूछना सो एनी टाइम प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एट आस्क एट द रेट कलाम डॉट इन ठीक है बाकी कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि कोई डाउट्स हैं क्या आ रहा है रिविजन से रिलेटेड क्या डर लग रहा है क्या आपको फियर लग रहा है कुछ इशूस आ रहे हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एज वेल आई ट्राई टू रिप्लाई क्योंकि आपका जो कॉमेंट होगा डाउट होगा वो बाकी एस्पिरेंट्स का भी होगा सो वेन यू आस्क दैट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग एज वेल as well, जो आपके डाउट के थ्रू सीखेंगे ठीक है अदरवाइज अगर आपको कोई पर्सनल स्पेसिफिक डाउट है यू कैन जस्ट ईमेल मी हेयर एज वेल ठीक है सो आई होप मैंने आपको एक आउटलुक दे दिया है एक डिटेल में समझा दिया है कि कैसे आप यहाँ से अपनी तैयारी देख सकते हो सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड कीप मी अपडेटेड अबाउट योर प्रोग्रेस एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू यू नो गेट बैक टू यू एंड सी हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग ठीक है सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट जल्दी से मिलते हैं आगे कुछ और सीखेंगे एंड लेट्स क्लियर प्रिलिम्स 2024, ठीक है बाय बाय